हमारे देश में शादी की तरह तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कोई हाथी पर बारात लेकर निकलता है तो कोई शादी में फूलों की बारिश कराता है। मगर बिहार के बेगूसराय जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे शेयर किए बिना लोग रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक दरोगा जी को पहले एक महिला से इश्क हुआ और फिर उन्होंने उससे कुछ इस तरह विवाह किया कि इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। बोलिए घर के लोग हैं, घर के लोग हैं, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, आप करिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, दरअसल यहाँ शराब के नशे में मांग भरते एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दरोगा जबरन एक लड़की को सिंदूर डाल रहा है, जबकि दरोगा जी ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार मांग में सिंदूर भर दिया। एक न्यूज साइट पर छपी तस्वीर के मुताबिक दरोगा का महिला से प्रेम प्रसंग है। दावा किया जा रहा है कि एसआई सुमन कुमार साल 2019 में बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना में कार्यरत थे और उसी दौरान वो एक दिन गश्ती के लिए गए हुए थे। इस बीच दरोगा जी 3 बच्चों की मां छोटी देवी से मिले। इसके बाद दोनों की मुलाकात बढ़ी और फिर दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगा। मगर प्यार अपने अंजाम तक पहुंच पाता उससे पहले ही कमबख्त किस्मत ने अजीब खेल खेला और दरोगा जी का तबादला बेगूसराय के उत्पाद विभाग में हो गया। हालांकि दावा किया जाता है कि तबादले के बाद एएसआई सुमन कुमार अपनी प्रेमिका को लेकर लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में रहने लगे और वर्ष 2020 में ही दोनों ने शादी कर ली। मगर महिला के परिजन बेगूसराय पहुंच गए। महिला के परिजनों ने दोनों से शादी करने की बात पूछी और दोनों की शादी का वीडियो वायरल कर दिया। महिला ने बताया कि वो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए एएसआई से शादी कर ली। इस शादी से परिजन नाखुश थे और उन्होंने 2 साल पुराना वीडियो अब वायरल कर दिया। बता दें कि एएसआई के 2 बच्चे हैं और दरोगा व महिला इस शादी से बेहद खुश हैं। वही के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने कहा कि एएसआई का वीडियो मेरे पास भी आया है, साथ ही कहा कि एएसआई से इस वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। 2019 में इनके जोर हमको प्रेम हुआ, 2019 में जब प्रेम हुआ तब सोमोदिरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो सोमोदिरा अशोक धाम पे हम शादी किए, 2020 में शादी किए, 2020 में शादी किए, हम राजी खुशी से रह रहे हैं। मेरा घर के आदमी इन पर आरोप लगाते हैं कि आप ऐसे ही रखे हैं, ऐसा ही रखे हैं, और तब हम बोले कि नहीं, हम शादी किए हैं, तो 2020 का वीडियो वो अभी वायरल कर रही है। कैसे प्रेम हुआ था, आरोप लग रहा है? हमको प्रेम हुआ ऐसे, मेरा घर के हमारे लाखों ससुराल हुआ, मेरा पति कोई खर्चा उर्चा नहीं देता था, तो हम क्या करते, हमको इनको जर प्रेम हुआ, हम राजी से इनको जर हम शादी किए हैं। जो आरोप लग रहा है गलत है? ये गलत है। कैसे
ये प्रेम कैसे हुआ, दोनों बीच में कैसे हुआ? ये प्रेम 2019 में ये आ रहे थे गश्ती में आ रहे थे, तब हमको प्रेम हुआ। शादी नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इनका भी परिवार राजी है, हम भी राजी हैं। मेरा घर के आदमी वीडियो वायरल करके बहुत गलत कर रहा है। आपकी पहले शादी हो चुकी है, इनका भी ये मालूम था पहले दोनों की शादी होती? हाँ, दोनों आदमी के मालूम थे कि शादी हो चुके हैं, मेरा भी मालूम थे इनको कि शादी हो चुके हैं, मगर दो बच्चा मेरा भी है, एक लड़का एक लड़की, इनका भी तीन लड़की एक लड़का। और लड़का से शादी किए हैं, रखे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मैं जबरन शादी नहीं किया हूँ, हम दोनों आदमी में प्रेम हुआ, हम लोग शादी किए हैं। आगे बात, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। साथ में रह रहे हैं? हाँ, साथ में हम लोग खुशी से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों परिवार की जानकारी में? हम लोग दोनों परिवार की जानकारी में है, कोई दिक्कत ना है, हम लोग बढ़िया से रह रहे हैं। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ है कि पुलिस ने जबरन शादी किया है। ना, कोई जबरन नहीं किया, कोई जो सब झूठ लग रहा है आरोप। कैसे मुलाकात हुई? हम भगवानपुर थाना में थे, तो गश्ती में गए, तो अपन गश्ती में जाते होते, इनसे बातचीत हुआ, उसी से प्रेम बढ़ गया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।